रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रही भाजपा नेता पर प्राण घातक हमला होने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री अपने घर से क्षेत्र में चल रही संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए निकले थे और इसी दौरान रास्ते में ही 13 की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने भाजपा नेता पर तलवार और हाथी से प्राण घातक हमला कर दिया। हमले के बाद भाजपा नेता मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जा रहे थे कुमारा जुड़वानी, वही देवरी गांव में मोटरसाइकिल में थे। देवरी गांव में हमला कर दिए, रुका की गाड़ी जैसे हम उतरे तो हाकी से वो लिए थे, हाकी लिए थे, तलवार लिए थे। कितने लोग थे वो? 12-13 लोग थे। कोई पहचान के भी? चार मोटरसाइकिल मुँह बांधे थे सब। आप कहे से आ रहे थे? मोटरसाइकिल से आ रहे थे। कितने बजे घटना है? 11 बजे से पौने 11 बजे। आप किस पद पर हैं बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। चुनूर मंडल अध्यक्ष। नाम क्या आपका? चुनूर मंडल अध्यक्ष, नाम जयराम अग्निहोत्री है। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरी चकदही के। क्या मामला है? ये अभी संज्ञान में आया है कि किसी के साथ मारपीट हुई है, तो जिनका संजय गांधी में अभी इलाज चल रहा है और वहीं पे देहाती नाले से लेने भेजा गया है। जो भी है पकड़ पंजीबद्ध करके साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नकाबपोश लोग बताया जा रहा है? अज्ञात लोगों के बारे में जानकारी लगी है, जिसमें हमने पता रसी के लिए टीम को बोल दिया है। क्या कह रहा है? बीजेपी के? हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो कार्यकर्ता है, ये सब विवेचना का पार्ट है, तो उसमें ले लिया जाएगा। क्या कह रहा है सर? मारपीट क्यों हुई? कुछ बातें ये उनकी एफआईआर कराई जा रही है।